गुड इवनिंग। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से, एक्चुअली आप लोगों के लिए नहीं अपने लिए भी, क्योंकि जब मैंने लिविंग रूम का डेकोर कर सॉरी लिविंग रूम में कवर कर लिया था तो सब कुछ तो परफेक्ट था, लेकिन मेरी वॉल के लिए कुछ भी ऐसा परफेक्ट नहीं लगा मुझे, तो मैंने लगाया नहीं था क्योंकि मैं रेंटल फ्रेंडली भी चीज़ें होनी चाहिए और मुझे वॉल डेकोर की चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। तो एक मैंने ऑनलाइन बहुत दिनों से देख रखा है वॉल पीस, लेकिन वो बहुत महंगा, बहुत ही महंगा, मतलब 4,000 का एक वॉल पीस मिल रहा था। तो मैं एक 4 महीने से वो सोच रही हूँ खरीदूँ ना खरीदूँ, लेकिन अब मैंने सोच ही लिया कि 4,000 का वॉल पीस अभी के लिए तो नहीं खरीदूँगी, अपना घर होगा तो शायद सोच भी लूँ। तो लेकिन मुझे पसंद वही डिज़ाइन है, तो उसके लिए मैंने सोचा मैं खुद से बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि कोई वॉल डेकोर बनाइए पीस जो कि DIY हो। और यकीन मानिए इतना बढ़िया आइडिया मुझे मिल गया कि इतना सस्ता, सबसे महंगे वॉल डेकोर का आइडिया एकदम सस्ते में मिल गया मुझे। तो क्या क्या चाहिए पहले मैं सामान बता दूँ। मैंने लिया है ये हैंडमेड पेपर, आप चाहें तो चार्ट पेपर भी ले सकते हैं, बट मेरे पास क्या था ये मैंने इकट्ठे मंगा लिया था, तो मेरा देख सकते हैं आप ख़राब हो रहा है, तो आप वेस्ट तो कर नहीं सकते और वेस्ट करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि 1,18 रुपये में मिलता है ये। तो मैंने कहा अब इसी का मैं बनाऊंगी, तो मैंने ऐसे 5 हैंडमेड पेपर ले लिए हैं। एक सीजर्स है, ये गोल्डन स्पे पेंट है, ये ऑप्शनल है, और ये क्यों ऑप्शनल है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये जो लकड़ी में फर्नीचर वाला फेविकोल होता है वो है, और ये मैंने रखा है छोटू सा शीशा दिखाने के लिए आपको टुकड़ा। अगर ये आपके पास नहीं है तो जो आपके सूट में बटन्स होते हैं उनको भी मत फेंका करिए, आप रखिए वो बहुत काम आते हैं। तो अगर आपके पास सूट का कोई अच्छा सा शोकेस वाला बटन है 4-5 पीस तो वो रख लीजिए, सो पीस वाला नॉट शोकेस वाला। तो अब मैं आपको और बता दूँ कि कितने कितने का क्या लगेगा। अगर आपके पास चार्ट पेपर है तो चार्ट पेपर 5 रुपये में एक मिल जाता है, तो 5 चार्ट पेपर का 25 रुपये हो गए, और अगर आपको हैंडमेड पेपर से बनाना है तो 18 रुपये का एक मिलेगा, तो 90 रुपये में 5 हो गए, और 50 रुपये का मुश्किल से फेविकोल लगेगा। और अगर आपको अपने रूम के थीम के हिसाब से बनाना है वॉल पीस, तो आपको जिस कलर का चाहिए उस कलर का हैंडमेड पेपर लीजिए या फिर उस कलर का चार्ट पेपर लेके बनाइए। कि मुझे क्या है कि मेटालिक जो तांबे या पीतल के कलर होते हैं वैसे अच्छी चीज़ें लगती हैं, तो मुझे मेटल का बनाना है, तो मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट लिया है। तो ये 200 में, मतलब कि 200, 90 और 50, आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 340 रुपये में आपका पूरा, 350 रख लीजिए, 350 में आपको 4,000 का जो है वॉल डेकोर रेडी मिलेगा। मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगी कि वो वॉल डेकोर 4,000 का मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहले क्या करना है हमें, तो इतना बड़ा एक हैंडमेड पेपर लेंगे आप या फिर चार्ट पेपर लेंगे, इतना बड़ा होता है। तो हमें बनाने हैं 6 पीस, उसके जो भी आप देखे होंगे फ़ोटो में, तो 6 पीस मुझे बनाने हैं और साइज़ छोटे बड़े चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ। तो सबसे बड़ा वाला आप बनाएंगे वो आप, उसके लिए आप एक ऐसा पूरा चार्ट पेपर लेंगे, और उसके बाद जो उससे छोटा वाला बनाएंगे वो इसी चार्ट पेपर को आप इतना 3-4-4 करके इस साइड वाले के हिस्से का 2 बना लेंगे, और जो सबसे छोटा वाला पीस बनेगा वो इस चार्ट पेपर को ऐसे आप आधा फोल्ड कर देंगे, तो इस साइज का आप 2 बना लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे, जैसे मैंने कट कर लिया है एक चार्ट पेपर, आप ये देख सकते हैं सारे मैंने के कट करके आपको दिखाने के लिए रखे हैं कि शायद आपको ईजी पड़ जाएगा। तो जो ये वाला चार्ट पेपर है ये मैंने हाफ काट रखा है, देखिए आप इसका हाफ है, तो ऐसे 2 पीस बन जाएंगे। और इसको आप क्या करिए, इतना काट लीजिए, तो आपके बन जाएंगे जो दूसरा बड़ा वाला पीस होगा उससे थोड़ा छोटा। तो मैं पहले इसको काटती हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं जो मीडियम पीस बनेगा वो
इस साइज का बनेगा, और जो सबसे छोटा वाला बनेगा वो उससे छोटा वाला जो बनेगा वो इस साइज का बनेगा, और जो सबसे छोटा वाला बनेगा वो इस साइज का। तो इस पर अभी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो वो आपके सामने ही करूँगी कि कितने में छोटा सबसे बनेगा। तो और जो सबसे बड़ा वाला बनेगा वो पूरे एक चार्ट पेपर का बनेगा। और इसको मैंने आपको बताया था कि ये मैंने चार्ट पेपर का आधा कर लिया है, ये चार्ट पेपर का 3/4 कर लिया है। आप अपने हिसाब से साइज चूज कर सकते हैं कितना बड़ा आपके वॉल का साइज है। अब हम पहले इसको बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, देख जैसे हम पहले बनाते थे बचपन में, बहुत बनाए होंगे हमने अपने बुक के बीच के पन्ने फाड़ फाड़ के जो फैन बनाते थे। तो अभी जैसे फैन को फोल्ड करते हैं ऐसे, जो खेलने के लिए हम लोग बनाते थे ऐसे फोल्ड करूँगी इसको भी और इसको भी, फिर मैं आगे क्या करना है फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ऐसे करके ये वाला ऐसे करके ये भी कर लिया। अब हम आगे क्या करना है प्रोसेस वो करेंगे। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम बेडशीट पे कुछ ऐसी चीज़ बिछा लें जो हमारा फेविकोल या गम जो लगे तो गंदा ना हो। ये रख लिया पेपर हमने फेविकोल लगाने के लिए, ये हमारा फेविकोल। अब हमें क्या करना है, ये ऐसे हमने किया है, अब इसको हमें यहाँ जोड़ना है और इसको हमें पहले यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो हम चलिए पहले जोड़ते हैं, इसीलिए फर्नीचर वाला जो है ग्लू, अगर आपके पास ग्लू गन है तो भी बहुत अच्छी बात है, बट मेरा क्या है कि अगर मुझे बजट में बताना है तो सोचती हूँ कि ग्लू गन पता नहीं आप लोग कहाँ ख़रीदने जाएंगे, इस चक्कर में मैं ना मैं लेती हूँ और ना मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसको ऐसे करके हमने यहाँ पर चिपका लिया। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये चिपकने में टाइम लेता है, जितना उतना ही मजबूत होता है। देखिए एक बार ये इधर का चिपक जाएगा, उसके बाद आप इधर इसको छोड़ दीजिए ऐसे थोड़ा सा ड्राई हो, तब तक हम इधर का कर लेंगे। थोड़ा सा ये हल्का सा एक दो सेकेंड लगता है ना इसको थोड़ा ड्राई होने में, तब ये पेपर पर चिपकता है, नहीं तो सरकता रहता है। जैसे देखिए वो खुल गया उस साइड का, तो इस जब तक वो थोड़ा सा ड्राई होता है तब तक हम इधर का काम कर लेते हैं अपना। तो ये इधर हमने ऐसे चिपका दिया और इधर का हमने ऐसे चिपका दिया। अब ये भी थोड़ा टाइम लगा, तब तक हम इसको चिपकाते हैं। देखिए जैसे थोड़ा सा ड्राई होगा ना अपने आप ये चिपक जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको पकड़ना पड़ेगा, तब तक इसको हम पकड़ के रखेंगे, इस साइड का ड्राई हो रहा है फिर हम बीच में चिपका लेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके फेविकोल लगाइए सारे में, क्योंकि मैं सोचती हूँ चीज़ बना रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा मजबूत भी बनाएं और ऐसा बनाएं कि देखने में भी थोड़ा सा उतना तो नहीं लगे, थोड़ा सा क्लासी तो लगना ही चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। देखिए इधर से ये चिपक गया, अब इसको यहाँ पकड़ के इसको चिपका लेते हैं। अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम अपना दूसरा चिपकाएंगे, ये वाला जो इससे बड़ा वाला पीस है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। देख सकते हैं मैंने 5 पीस बना लिया है। सबसे बड़े वाले चार्ट पेपर का ये है, उससे जो छोटे वाले 2/3 मैंने काटा था, 1/3 ये दोनों बनाए दो चार्ट पेपर से, और जो एक चार्ट पेपर में आधा किया था उससे ये दोनों बने। कि अभी मुझे लग रहा है कि मुझे दो और इन इससे छोटा वाला थोड़ा सा ये बना के यहाँ यहाँ पे रखूँगी, तब एक्चुअल में बढ़िया लुक आएगा। तो मैं देखती हूँ कि अभी कितना छोटा इससे बनाऊँगी और फिर आप एक सामने ट्राई कर लेती हूँ। तो अभी जो मैंने 1/3 वाला हिस्सा 3 हिस्से का वो बनाया था, उसका दो ये चार्ट बचा है, दो टुकड़े बचे हैं। तो मैं देखती हूँ कि इसको बना के कि कितना बड़ा इसका बनेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से सही बन जाएगा। तो इसका हम बनाएंगे ऐसे फ़ैन, और जो छोटे वाले टुकड़े हमें चाहिए वो हमारे मिल जाएंगे इसमें।
यूज़ भी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी नॉर्मल पेपर जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या फिर पैकिंग रैपिंग पेपर होता है उससे मत बनाइएगा। बना सकते हैं आप, लेकिन उतना बढ़िया जो रिच लुक आता है वो नहीं आएगा पेपर, क्योंकि मुझे आइडिया इससे मिला कि ये सबसे सॉफ्ट वाला मैंने बनाया, ये थोड़ा सा गीला रह गया था मेरा, तो ये थोड़ा सा उतना जितना बाकी सारे एकदम बढ़िया लुक आए हैं वो नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि हमेशा कड़ा पेपर या चार्ट पेपर लीजिए, या फिर जो बैग वैग बनाने वाले पेपर आते हैं वो लीजिए, या फिर हैंडमेड पेपर लीजिए। इससे एकदम परफेक्ट मेटल वाला लुक आएगा जो क्लासी महंगा मतलब दिखता है। नहीं तो अगर आप अपने बजट में बनाना चाहते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो पहले इसको मैं रैप करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं। तो अभी मैंने ये दो छोटे और बना लिए हैं, अब चलिए हम इनको देखते हैं, इनका से बनाते हैं कि कैसे कैसे इनको हमें सेट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने पांच लगाए थे बट मुझे थोड़े से कम लग रहे थे, तो वो दो पीस मैंने बना दिए हैं। अब मैं सोचूं एक यहाँ लगा देती हूँ और एक यहाँ, अब जाके मुझे लग रहा है कि परफेक्ट लुक आया है। अब इसको हम करेंगे पेंट। तो पहले मैं जाती हूँ पेंट के लिए जगह बनाती हूँ, उसको इन सबको वहाँ ले चलती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पेंट मैंने स्प्रे पेंट कर दिया है और सूख गया है, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब कैमरे में जितना अच्छा आ रहा है रियल में उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये लग ही नहीं रहा है कि मैंने अपने हाथ से बनाया है और इतना प्यारा बनेगा, मैंने खुद भी नहीं सोचा था इतना प्यारा बनेगा। तो अभी मैं चल रही हूँ इसको अपनी वॉल पर चिपकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये वाली जो वॉल है मेरी, आपने मेरे लिविंग रूम मेकओवर में देखी होगी, ये वॉल खाली है। वैसे भी मुझे ज़्यादा वॉल डेकोर पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं वो लगाऊंगी सोचा है मैंने, क्योंकि एक लुक भी आ जाएगा और मेरे किसी रूम में कहीं ज़्यादा वॉल डेकोर नहीं है, तो थोड़ा सा मेरा वॉल अच्छी भी लगने लगेगी, ये सोच के मैंने यहाँ पर लगाने का सोचा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको 2-in-1 भी यूज़ कर सकते हो, अगर इस साइड कोई और कलर उस साइड कोई और कलर तो भी कर सकते हो। उसके बाद डबल साइडेड टेप काटना है और बीच में चिपकाना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका डबल साइडेड टेप नहीं चिपक रहा है, तो जितने भी पीस हैं सबके बराबर गत्ते छोटे छोटे काट लीजिए और उसको जो है इस पे पेपर पे चिपका के और फिर डबल साइडेड टेप लगा के वॉल पे चिपकाएंगे तो वो एकदम बढ़िया से चिपक जाएगा और नहीं निकलेगा। बस मैंने जो सबसे बड़ा वाला बनाया था वो दीवार के एकदम सेंटर में मैंने रखा है, दोनों वॉल के बीच में। अब इस साइड और इस साइड लगाऊंगी मैं, और देख पहले टेप लगा देती हूँ डबल साइडेड सारे में, तब लेके आती हूँ, फिर फटाफट लगाएंगे। तो अभी मैंने पूरा लगा दिया है और लगाने में ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो है मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं एक एक लगा लगा देख रही थी, इसलिए टाइम लग गया। और देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा है कि 4,000-10,000 का हमें मेटल का कुछ भी ऐसा ख़रीदना है। 400-500-300 जितने में भी मतलब इतने में हम बना के एकदम परफेक्ट लुक ला सकते हैं। और रियली बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी ये वॉल पूरी मतलब बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैं एक और बनाऊंगी अपने घर के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये इस घर के लिए है। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, कुछ कमी होगी तो भी बताइएगा। और फिर मिलेंगे तब बेडरूम डेकोर के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं शीशा जो लगाना था वो लगाना भूल गई, इतना अच्छा वो लगा कि मुझे कमी ही नहीं पड़ लगी। अभी शीशा देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है, तो मैं इस पे लगा के डबल साइडेड टेप फिर उस पे चिपकाऊंगी। आप चाहें तो लगा सकते हैं डबल साइडेड टेप, नहीं तो आप ग्लू से फेविकोल से ही चिपकाइए उसको। अब तो मैंने वॉल पर लगा दिया है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। मुझे बनना है खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि मैंने एक में तो लगा दिया इजी और दूसरे में मैं यहाँ लगा रही हूँ, ये भी इजी ही लग जाएगा आई थिंक। इसमें भी लग ही जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब देख सकते हैं मैंने पूरे पे लगा दिया है और टोटल 7 पीस बनाया है मैंने। तो 7 पीस जो मिरर है वो लगा है मेरा। सेम आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, गोल्डन कलर का आपके पास हो तो वो भी सुंदर लगेगा। सिर्फ वो इसलिए क्योंकि जो हम चिपकाते हैं इसको वो फैन जैसा बना के उसमें फिनिशिंग आ जाती है, उसको जो दिखता नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो अब फाइनली बाय इस बार, और अब कोई गड़बड़ नहीं हुई है, एकदम सही बन गया है।